तो भाई इंडिया के यंगस्टर ने, युवा खिलाड़ियों ने, यंगस्टर से भी छोटे यार, इंडिया के बच्चों ने, इंडिया की सी डी टीम ने साउथ अफ्रीका की ए टीम का घंटा बजा के रख दिया। वो ए टीम जो वर्ल्ड कप में झंडे गाड़ रही थी, उनको समझ ही नहीं आई हुआ क्या है हमारे साथ। अफ्रीका का पहले वनडे मैच में पकड़ के घंटा बजा दिया। इंडिया की बी टीम थी, साउथ अफ्रीका की मेन टीम थी, पकड़ के क्या बजा दिया, घंटा, ऑफिशियली घंटा बजा दिया पहले वनडे मैच में इंडिया ने, वो भी साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान वाले भाईजन डंडा चला गया अंदर कि हमारी टीम तो सही ऑस्ट्रेलिया में फैली गई है, इंडिया साउथ अफ्रीका में किस तरह जीत गया है। बेटा इंडिया की ये बी या सी टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका की मेन स्ट्रेंथ को जाके फेल दिया, जाके बजा दिया उनका घंटा। बेटा उनका यंग टैलेंट अवेश और अर्शदीप, कोई वनडे क्रिकेट का उनके पास कोई 200 मैच का एक्सपीरियंस नहीं है। टोटल दोनों के मिला के 11 मैचेस बनते हैं और दोनों ने 9 विकेट ली हैं। और साई सुदर्शन डेब्यू पे 50 मार गया। ये टैलेंट है इंडिया का। घंटो आपका टैलेंट किधर है, किधर है आपका टैलेंट? मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, किधर है आपका टैलेंट? तो जनाब, जहां पर एक साइड पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जलील हो रही है, दूसरी साइड इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को जलील कर दिया। और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले लास्ट T20 मैच में इंडिया की टीम ने 201 रन्स बनाने के बाद 95 पे ऑल आउट कर दिया। और आज के दिन इंडिया के बॉलर्स अपने मुंह से आग निकाल रहे थे ऐसा लग रहा था, और साउथ अफ्रीका के बैटर्स की एक नहीं चलने दी, और साउथ अफ्रीका की टीम को टोटल जो है वो 116 रन्स पे ऑल आउट कर दिया उस मैदान के ऊपर, जहां पर एवरेज स्कोर जो है 300 प्लस था। वहां पर जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया कि भाई साहब इंडिया की जो है वो ऐसी बॉलिंग है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इंडिया की बी टीम है, हम जो है इनको मार मार के भगा भगा के भगाएंगे भाई। तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को हमने बड़ा लाइट ले लिया रिजवान भाई, हमसे गलती हो गई, हमने बॉलिंग लाइनअप को बड़ा लाइट ले लिया। अर्शदीप सिंह ने इनके फंड छक्के जिसको कहते हैं ना, वो जो वर्ड होता है समझ नहीं आ रही क्या वर्ड है, खच्चे उड़ा के रख दिया अर्शदीप सिंह ने, टॉप ऑर्डर के तहस नहस करके रख दिया। रीजा हेनरिक्स, वंडर ड्यूसन, टोरी डिजूरी जो भी नाम था उसका, उसको आउट कर दिया। एडन मार्टिन जा रहे हैं, हेनरिक क्लोसन जा रहे हैं, अवेश खान ने दूसरे एंड से तबाही बॉलिंग कर दी। इसको कहते हैं बॉलिंग, बाहर के मुल्क जाके इसको कहते हैं बॉलिंग, इसको कहते हैं होमवर्क, हार्डवर्क, प्रैक्टिस। जो मैं सुबह से मैं अपना गला फाड़ के बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, ये होती है प्रैक्टिस। बॉलर्स को पता था कहां पे बॉलिंग करनी है, आज पिच के ऊपर बाउंस था, लेकिन भाई ये तो अफ्रीका की अपनी टीम थी, अफ्रीका की अपनी ग्राउंड थी, उनकी कंडीशन के लिहाज से तो उनको आदत होनी चाहिए बाउंस खेलने की, उसके बावजूद उनसे नहीं खेला गया, ये होती है क्रिकेट। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिया, अवेश खान ने 4 लिए, कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया, इंडिया ने 116। जय हिंद दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, और इस मैच में इंडिया ने जो अपने खेल का प्रदर्शन किया क्रिकेट में, शायद ऐसी उम्मीद पूरी दुनिया को नहीं रही होगी, और ख़ास करके पाकिस्तान को, जो कि पहले हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे थे कि इंडिया सिर्फ अपने देश की पिचों पर ही खेल सकता है बढ़िया, इन्होंने पिचों में छेड़खानी करी है, बॉल को टेम्पर कर रहे हैं, बॉल में चिप लगाई है, इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि इंडियंस प्लेयर इस तरह से करके जीत रहे हैं। परंतु आज जो इंडिया की सी टीम ने साउथ अफ्रीका की ए टीम को इस तरह से धोया दोस्तों कि उनको समझ नहीं आ रहा था ये बच्चे हमारे साथ कर क्या रहे हैं। अर्शदीप ने 5 विकेट ले ली और अवेश खान ने 4 विकेटें ले ली। दोस्तों पूरी की पूरी टीम को इन्होंने 116 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया, और उनको सिर्फ 27 ओवर में के अंदर ही आउट कर दिया। वो तो सोच में पड़ गए कि यार ये हमारे साथ क्या क्या है, भारत के बच्चों ने ऐसी पिटाई करी है, ऐसे कौन पीटता है भाई घर में आके हमारे, हैं उनके घर में उन्हीं को ऐसा पीटा। दोस्तों उनकी तो चीखें निकाल दी उन्होंने, और उनकी चीखों के साथ साथ पाकिस्तान वालों की ज़्यादा चीखें निकली, जो कि वर्ल्ड कप में हमेशा दोष लगा रहे थे कि इंडिया की टीम पर, कि इंडिया की टीम अपनी ग्राउंड होम ग्राउंड पर ही अच्छा खेल सकती है, बाहर नहीं खेल सकती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकती, साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकती। लेकिन आज हमारे बच्चों ने भी सिद्ध करके दिखा दिया कि बेटे बाप हमेशा बाप होता है, उसको कभी मौका मिलना चाहिए, ये मत सोचो कि इनको बख्श देंगे हम इनकी ग्राउंड पर खेल रहे हैं। तो दोस्तों आज जो इंडिया ने खेल खेला है उसके लिए ना साउथ अफ्रीका हमेशा याद रखेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है भला, बच्चे ऐसा मारेंगे, उन्होंने सोचा ही था। और उनके पूरे टॉप मोस्ट प्लेयर खेल रहे थे, जबकि इंडिया की टीम के अंदर ना कोहली था, ना हमारे रोहित था, और ना बुमराह था,
और उसके अलावा सीनियर प्लेयर थे ही नहीं, और सारे बच्चे थे जो कि इंडिया ओडीआई के अंदर इन्होंने ऐसा पेला साउथ अफ्रीका को कि अभी तक दोस्तों बैठ के सोच रहे होंगे यार ये हो क्या गया हमारे साथ। इंडिया ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया दोस्तों, इंडिया ने 117 रन बनाए 2 विकेट खोकर, और मैच को ये 16.4 ओवर के अंदर ही जीत लिया। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने जो चीखें निकली हैं, आइए उनके रिएक्शन देखते हैं, वो किस तरह से परेशान होते घूम रहे हैं इसको बात को। तो जिस तरह उन्होंने आते सार अर्शदीप सिंह ने दावा बोल दिया, मुझे तो लग रहा है वो आज खेले नहीं जंग लड़ने आए थे। जिस तरह उन्होंने आते सार टीम साउथ अफ्रीका को बैक एंड पे धकेल दिया, उसके बाद टीम साउथ अफ्रीका आ ही नहीं सकी आगे। शुरू से उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया, उसके बाद अविष्कान आया दूसरे एंड से, वो शुरू हो गए हैं, तो करते करते जी 116 पे ऑल टीम आउट कर दी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो कह रहे थे जी टीम इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड में खेल सकती है। देखिए जब 116 का टारगेट मिलता है तो हम बैटिंग पे तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि ये T10 का टारगेट हमें लगता है, वनडे तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बात करें अगर तो 116 पे ऑल आउट किया है, इस पे बात हम कर सकते हैं। तो सिंह इज किंग, आज वो फायर में थे, पता नहीं बॉल थी उनके हाथ में या क्या था। इंडिया की इतनी बड़ी टीम जो वर्ल्ड कप में जाके हाईएस्ट रन बना रही है, और यहाँ पे आके कभी 95 पे आउट हो रही है, कभी जाके वो 116 पे पूरी टीम बुक हो रही है। ना उनके प्लेयर्स चल पा रहे हैं, ना उनकी बॉलिंग, ना बैटिंग, मतलब कि वो तो खुद ही कंफ्यूज हुए हैं। उनकी पिचेस बनाई हुई हैं, उनका सारा कुछ है। लोग बड़े कह रहे थे इंडिया जाके परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इंडिया ने तो उनके मुंह भी बंद कर दिए। जिस तरह से उनका डेब्यूटेंट वो सिद्धार्थसन लड़का है, उसने डेब्यू पे 50 कर दी है, साथ में सुरेश अय्यर एक्सपीरियंस वाला लड़का था वो लेके चला है, तो टीम इंडिया अपना बैकअप हो गया, अपना प्रेजेंट हर चीज को इतना जबरदस्त लेके जा रहा है कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को हम समअप कर ही नहीं सकते। इंडिया की टीम जो है, हालांकि चाहे वो अपने घर में खेल रही हो या बाहर खेल रही हो, लग ये रहा है कि वो दूसरी टीम के सर पे सवार हो चुकी है, हवास पे सवार हो चुकी है। आप देखें, मतलब अपने घर में आप लोग खेल रहे हो, आपके पास इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं, ये यंग टीम उन्होंने भेजी है, हैंड्रिक्स थे, क्लासन, मार्करम कैप्टन है, हालांकि उन्होंने भी फ्लॉप ही हुए हैं वो, और मिलर जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपके पास है तो आप 116 पे कैसे ऑल टीम आउट हो सकते हैं। लोग कह रहे थे कि वहाँ की पिचेस जो है ना वो बॉलिंग पिचेस हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग नहीं चल पाई, और पाकिस्तान इंडिया की जो है बॉलिंग जो आपने देख ही ली, 116 पे उन्होंने आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट्स ली हैं, अविश खान ने जो है वो 4 विकेट ली हैं, कुलदीप यादव ने जो है 1 विकेट ली है, मतलब के पता नहीं डूसन, मरक्रम, क्लासन, मिलर, शमसी, किसी को पता ही नहीं चला हमारे साथ हुआ है क्या भाई। इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने एक हमारी टीम में आज जलीलो हार हुई है, रुसवा हुई है ऑस्ट्रेलिया में, 360 रन की बड़ी हार मिली है। हमारा लंबर वन छहीन और बाबर घंटा और साउ शकील और शान और क्या तो क्या हमने अपने 30 मार हान भेजे हुए थे, वहां ऑस्ट्रेलिया ने बैंड बजाई, और इधर इंडिया के यंगस्टर युवा खिलाड़ी यार, नो कोहली, नो रोहित, नो बुमराह, नो शमी, नो सिराज, नो ठाकर, यार कोई भी नो, सारे नो हैं। बट उसके बावजूद आप देखो जो अर्शदीप ने किया पहले, जो आवेश ने किया, वो तो काबिले तारीफ है ही है, वो तो कमाल है ही है। बट अबाउट साई सुदर्शन, मैं आपको मिड वीडियो में कह के गया था यार, आई वांट टू सी साई सुदर्शन, क्योंकि इस टीम इंडिया के पास जो टैलेंट का जहीरा है वो किसी के पास नहीं है भाई जान। T20 के लिए जसवाल, ODI के लिए साई सुदर्शन, और साई दर्शन भी ऐसा 99.95 का स्ट्राइक रेट, 60 की एवरेज है भाई डोमेस्टिक में इस यंग एज में, और जो काम कंपोज और इंपैक्ट लगा यार, मतलब आप सॉलिड डिफेंस यार, इन साउथ अफ्रीका हमारे जो घंटे के किंग है उनके बोल इन ऑस्ट्रेलिया ग्लव्सों पे लग रही हैं। आप तो ऑस्ट्रेलिया में 89 पे आउट हो गए हो, शर्म कर लो थोड़ी सी, हया बची या तो थोड़ी सी, नहीं बची तो कहीं से खरीद लो, शर्म का पानी लेके पी लो कहीं से। उधर इंडिया को देख लो, साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने साउथ अफ्रीका को 116 पे आउट किया, फिर उसको चेज भी किया है। बेटा हमारे पाकिस्तानियों को ये चीज बड़ा डंडा दे रही है कि इंडिया साउथ अफ्रीका में किस तरह जीत गया, इतनी बौंसी विकटों पे जाके इंडिया किस तरह जीत रहा है। अब बताओ, अब आओ वो घंटे के फैंस, अब आओ वो घंटे जो कह रहे थे इंडिया अपनी मर्जी की पिचेस बनाता है, इंडिया चिप लगाता है बाल में, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। बेटा इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया परफॉर्म करता है ऑन दी डे, और आप ऑन दी डे हगते हो सिर्फ ट्विटर पे बैठ के, वो ग्राउंड में तो जाके शटे टाट हो जाते हैं आप लोगों के। ये जो घंटे का किंग बाबर आजम है ना, ये करे रन ऑस्ट्रेलिया में, इससे तो बेहतर साई सुदर्शन है जिसने भाई साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक पे अपने डेब्यू मैच में 50 मार दिया है। ये घंटे का किंग ऑस्ट्रेलिया में जाके हागर है। मेरी बात सुनो, इंडिया की सी टीम ने साउथ अफ्रीका की ए टीम को उनके घर में पेल दिया है, और उन्होंने बातें नहीं थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये हम वो है। उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और ऑन दी डे उन्होंने
बजा के रख दिया इनकी। अब आओ घंटो निकलना बाहर, सोनू पीली चप्पल घंटे के फैन जरा आके जो बकवास पेल रहा होता है कि इंडिया आज ही अपने होम ग्राउंड में अपनी मर्जी की पिचेस बनाते। शदीप सिंह और आवेश खान जिनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, टोटल 11 मैचेस का एक्सपीरियंस, और उन दोनों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच जो नचा दिया है। टोटल 116 रन्स पे साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई और जवाब में इंडिया की टीम ने बड़ी आसानी के साथ ये टारगेट जो है चेस कर लिया। साई सुदर्शन ने बड़ी कमाल की जो है बैटिंग की है और साथ में जो है वो श्रेयस सैयर ने बड़ी अच्छी बैटिंग किया, बस स्कोर ही इतना ज़्यादा नहीं था, बस जितनी जितनी बैटिंग मिली उन्होंने किया। सुदर्शन ने बड़े कमाल के चौके लगाए और साथ में जो है वो क्या नाम है इसका, श्रेयस सैयर, उसने भी बड़ी अच्छी बैटिंग किया। सुदर्शन को एक दो चांसेस भी मिले, एक जो है वो रन आउट का चांस भी मिला, एक बार शायद आउट थे, रिव्यू उन्होंने लिया नहीं, नहीं तो जो है वो बर्गर को जो है वो वहाँ पर जो है विकेट मिल जानी थी। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है ना उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई साहब। अर्शदीप सिंह आज हाथ से आग निकाल रहा था भाई, 5 खिलाड़ियों को उसने आउट किया 10 ओवर्स में 37 रन्स देके और कमाल की बॉलिंग। कुछ ही दिन पहले अर्शदीप सिंह के हवाले से आपको मालूम है बातें हो रही थी कि यार अर्शदीप सिंह अभी इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार नहीं है, इसको वापस जो है वो भेजें आप और वापस जो है ये जो है वो निचले सर्किट पे जाके परफॉर्म करे और परफॉर्म करके अपने बेसिक्स पे काम करके वापस आए। लेकिन उन लोगों में मैं भी शामिल था, मैंने भी बोला था कि यार अर्शदीप सिंह को अभी जो है वो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन इस मैच में अर्शदीप सिंह ने बहुत कमाल की बॉलिंग की है और पहले से ज़्यादा बेहतरी आई है और आज बॉल बहुत अच्छी की है, बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जो अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की आज और बिल्कुल जो है वो इंडिया की टीम को जितवा दिया। और क्लासन को जिस बॉल भी आउट किया ना भाई, उसको समझ ही नहीं आया, वो एक सेकेंड के लिए सोचता हुआ रहा यार ये बॉल आउट कैसे हुआ, मैं बोल्ड किया उसको और उसे समझ ही नहीं आई। और वो एक बहुत कमाल की डिलीवरी थी अर्शदीप सिंह की। और साथ में आवेश खान बहुत कमाल की बॉलिंग की, इसने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया और जो है वो एक दो ओवर और मिलते तो शायद ये भी 5 पर ले लेता अर्शदीप सिंह ने। लास्ट जो है वो ओवर में विकेट इसलिए नहीं लिया, लास्ट बॉल पे जो है उसने जो है वो सीधा बाउंसर लगा दिया कि यार नेक्स्ट ओवर में जो आवेश को भी मौका मिल जाए। मेरे साथ ही उसने जो है वो आज बॉलिंग किया, 5 खिलाड़ियों को वो भी आउट करने लगने। ऐसा नहीं, युवा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में जाके प्राय देश में जाके, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी बकवास चकवास की बोला गया भाई साउथ अफ्रीका में जाके देखेंगे, ये तो IPL का पाटा विकेट का टैलेंट है, ये जब साउथ अफ्रीका में जाएगा, साउथ अफ्रीका की बाउंसी कंडीशन में जाएगा फिर क्या बनेगा। फिर इंडिया गया साउथ अफ्रीका की बाउंसी कंडीशन में, पहला T20 तो वॉश आउट हो गया बट दूसरे में भी झलक दिखा दी साथ फाइट करके कि मेरे अंदर कितना दम है, हम इन युवा खिलाड़ियों के अंदर कितना दम है। फिर तीसरा वाला जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने दोनों हाथों से बैंड बजाई साउथ अफ्रीका की, तो लग गया भाई जान ये इंडिया के नए खिलाड़ी जो है ना, ये आराम से बाज आने वाले नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की जितने तक कुटाई नहीं लगाएंगे ये बाज नहीं आएंगे। वहीं से इशारा मिल गया था, वहीं से सिग्नल मिल गया था कि ये खिलाड़ी कुछ नया करने वाले हैं, ये साउथ अफ्रीका की कंडीशन का, साउथ अफ्रीका के बाउंस का अपने आप पे सवार नहीं कर रहे हैं, इनका स्किल लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्किल वाइज बिल्कुल परफेक्ट हैं, विल वाइज बिल्कुल परफेक्ट हैं और अपने अंदर अग्रेशन तो रखते ही हैं भाई जान। इंडिया के होंगे इतने ज़बरदस्त देश के, इतने ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नेशन के खिलाड़ी होंगे तो अपने अंदर अग्रेशन नहीं रखेंगे, और ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी जब खबरें आती हैं नेशन के हवाले से, इकॉनमी इधर चलेगी, इम्पोर्ट यहाँ चलेगी, एक्सपोर्ट यहाँ चलेगी, वो सारा फिर रिफ्लेक्ट करता है कि भाई हम ग्रेट देश के खिलाड़ी हैं, हम बड़े देश के खिलाड़ी हैं, हम महान देश के खिलाड़ी हैं, तो फिर वो आगे रिफ्लेक्ट भी करता है। मतलब इतना जहीरा टैलेंट का, अब पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग होंगे नेगेटिव सोचते रहेंगे भाई वर्ल्ड कप फाइनल हार गए, वर्ल्ड कप तो जीत नहीं सके, वो ये बात नहीं करेंगे कि भाई 10 मैचेस जीते हैं ऐसा किसी और टीम ने नहीं दिखाया, वो ये नहीं बोलेंगे कि एशिया कप जिस तरह से इंडिया जीता है वो इन बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इंडिया को नेगेटिव पोर्ट्रे करना है। अगर आप न्यूट्रल बेसिस पे पोर्ट्रे करो तो मतलब दे हैव सो मेनी थिंग्स, जिस तरह से युवा खिलाड़ी हैं, जिस तरह से आप देखो ना पर्थ में विराट कोहली ने क्या किया था और पर्थ में बाबर घंटे ने क्या किया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, 2 बार सीरीज जीत के आता है और हम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करते हैं, ये डिफरेंस है, ये फर्क है कि ऑस्ट्रेलियंस डरते हैं इंडिया से। आज आप माइकल वा का ट्वीट देखो, वो कहता है एक इंडिया है जो ये काम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में आके इंडिया के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ये करता है वो करता है। बेटा ये बात ना एज अ पाकिस्तानी मैं कसम उठा के बोल रहा हूं, पाकिस्तान में तो टैलेंट ही नहीं निकल आ रहा, टीम इंडिया का टैलेंट देख लो, आवेश खान कोई 600 मैच खेला हुआ है बेटा, 4-5 उसके वनडे मैच है, अर्शदीप 4-5 वनडे मैच है बेटा, फाइफर मार गया वो, साई सुदर्शन ओपनिंग में डेब्यू में आ गए, अगले ने 50 मार दिया,
और 50 पता किधर मारा, साउथ अफ्रीका में अपने घर में मारता, फिर अलग बात थी। साउथ अफ्रीका में 50, इधर हमारे बड़े बड़े लेजेंड 50 बनाते हैं साउथ अफ्रीका में, जो सदियों याद रखते हैं। 100 तो इनके बस की बात नहीं, इनके औकात में ही नहीं आता 100। बेटा मैं एक्सपोज करता रहूंगा, मैं बजाता रहूंगा घंटा पकड़ के आपका सबका, घंटे के साथ साथ मैंने छनकना भी बजाना है। आप ये घंटे के किंग, ये छनकने के किंग है ना, जो इनको मैं बजाता रहूंगा इधर पकड़ के, क्योंकि इन्होंने जीतना जूतना तो है कोई नहीं, जीतना तो ये लोग भूल चुके हुए हैं। सीख लो इंडिया के बच्चों से, सीख लो यार इंडिया के बच्चों से, सीख लो कि किस तरह जीता जाता है, कि किस तरह परफॉर्मेंस की जाती है। आप में तो शर्म नहीं है, आप में तो हया कोई नहीं बची हुई, नहीं क्या मुंह दिखाओगे। 89 पे आउट हो गया, 350 से हार गए हैं। उधर इंडिया को देख लो, साउथ अफ्रीका को पेल दिया। बेटा ये वही साउथ अफ्रीका है जिसकी बैटिंग लाइन अब बड़ी स्ट्रांग है। वर्ल्ड कप में इंडिया ने 83 पे आउट किया, पिछले मैच में इंडिया ने 96 पे आउट किया, आज 116 पे आउट किया। क्यों नहीं साउथ अफ्रीका चल पा रहा, क्योंकि टीम मंडियां बजा देती है सबका उनके घर में जाके। ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम से डरती है इंडिया से, क्योंकि इंडिया घर में जाके ऑस्ट्रेलिया को रगड़ती है। फिर इंडिया के घर में जब ऑस्ट्रेलिया आती फिर तो ज्यादा कुत्तू वाली करती है ना, और साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाकर जलील कर रहे हैं। बेटा ये बड़ी ऑनर की बात होती है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैंने भी अपनी टीम को साउथ अफ्रीका में बड़ा खेलते देखा है। हम तो जलील होके वापिस आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जलील होना किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक हमारे घंटे इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम लोग नहीं जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, हम तो घंटे हैं, हम तो घंटे हैं, हम तो घंटे हैं, और घंटे हमेशा बजते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।